भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के ठेकेदारों की मनमानी एक बार फिर हमारे चैनल के माध्यम से कैमरे में हुई कैद। हम आपको दर्शा रहे एक डंपर में, जहां पर डंपिंग ग्राउंड की ओर जाते हुए इस डंपर में कचड़े का ढेर लगा हुआ है, लेकिन हद से ज्यादा कचरा होने के कारण यह डंपर के अंदर से कचड़े सारे रोड की तरफ गिरते हुए नजर आए। जब आपको बता दें कि इस डंपर के अंदर हद से ज्यादा कचरा होने के कारण डंपर जब सड़क पर से गुजर रही थी तो कचड़े का जो ढेर है वो रोड पर ही गिरते हुए हमारे कैमरे में कैद हो गया। जब आपको बता दें कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान को लेकर एक बड़ा मुहिम चला तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका उसके ऊपर ना ध्यान दे रही, यानी कि नहीं ध्यान देते हुए भिवंडी की कचड़ों को उठाने की जगह भिवंडी में कचड़ा फैलाने का काम डंपर द्वारा हो रहा है। अब देखना यह है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आला अधिकारी अभी भी अपनी नींद से जागते हैं। पहले तो आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी की सरकार है पूरे देश में स्वच्छता अभियान जो चला रही है बहुत अच्छी तरह से चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे भिवंडी में भी ये स्वच्छता अभियान हो रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लेके ऐसा लग रहा है कि हमारे भिवंडी शहर में ये जो स्वच्छता अभियान है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता जा रहा है और सही से नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कमिश्नर से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस मामले में ज़रा ध्यान दे, क्योंकि आज जैसे हमने आज रास्ते पे जाके देखा कि एक ट्रक भरी थी कचरे से भरी हुई ट्रक चल रही थी रोड से, लेकिन पूरा कचरा यानी क्वांटिटी जो कचरे का क्वांटिटी था वो ट्रक से लिमिट से ज़्यादा था, उसके लिए वो जितना भी कचरा था वो रास्ते पर गिर रहा था, तो इससे बहुत सी परेशानी भी हो सकती है। कचरा एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि वो गाड़ी कचरा साफ़ करने के लिए नहीं बल्कि शहर में और कचरा करने के लिए चलाई जा रही है, तो इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा कि कमिश्नर और जितने भी अभियंता है जिनको ये काम सौंपा गया है कि वो इस पे थोड़ा ध्यान दे और व्यवस्थित कचरे का जो भी निवारण करना है वो करे, और जिसके कारण हमारे भिवंडी स्वच्छ रहे और अच्छे रहे। दर्शकों आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।